नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज का दिन आपका एकदम एनर्जी से भरा रहा होगा और एक्सरसाइज भी किया होगा आप लोगों ने। तो चलिए अभी वेल्थ की बात करते हैं। कल ये पांच स्टॉक थे जो 5 शेयर्स एंड 300 डेज के सीरीज में जो कल मैंने आपको रिकमेंड किया था, और ये मैंने नया शुरू किया है कि मैं आपको एक्सेल शीट पे ही परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा कि कैसे ये कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैं 5 दे देता था और उसको आप फॉलो करते थे, आप उसको बाई करते थे। बट मैं वो भी देखूंगा कि मैं आपको सामने शो भी करूंगा कि मैंने जो रिकमेंड किए हैं, अब ये प्रोजेक्ट 1 है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि लास्ट प्रोजेक्ट जब मैंने शुरू किया था तो 52 डेज में हम लोगों ने 10% अचीव किया था जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट था। तो आज हम चलते हैं, आज का देखते हैं कि आज कौन से शेयर्स 5 है। देखिए ये वीडियो पर फर्स्ट पार्ट में आपको मैं 5 शेयर तो आपको अभी दे दूंगा, अगर आपको स्किप करना है उसके बाद आप स्किप करके आप देख सकते हैं। बट हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पूरी वीडियो देखिए और पूरी सीरीज को देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो को पूरा कंप्लीट कीजिए, क्योंकि यहाँ दिखाने के बाद दूसरी एक्सेल शीट ओपन करूँगा जिसमें मैं परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा कि अभी कैसा हुआ है, और हो सका तो मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेंगे हम लोग शेयर्स के। चलेगा, चलिए मिलते हैं फिर, आप शुरू करते हैं। तो आज का मेरा पहला रिकमेंडेशन है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, दैट इज कॉल्ड ONGC, जो आज मैं ले रहा हूँ, और उसकी 5 क्वांटिटी मैंने ली है। ये ऑलरेडी मेरे पास पुराने शेयर्स थे जिसको मैंने और भी ऐड कर लिया। अभी ये अच्छा खासा काफ़ी 2-3 बार मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ और 2-3 बार प्रॉफिट भी बुक कर चुका हूँ। तो ये टोटल है आज का है। सेकंड शेयर आज का है मेरा सबसे फेवरेट नहीं कह सकते, बट रिलायंस हमेशा न्यूज़ में रहता ही है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स आप खरीद सकते हो, और आज भी मैंने उसके 5 शेयर और ऐड किए हैं जो देख सकते हैं। थर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बर्जर पेंट्स। अभी ये सही टाइम है बर्जर पेंट का खरीदने का, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी डाउन गया था और अब ये ऊपर उठना चालू होगा। तो इतना ये काफ़ी गया था कि अब 15-20% का डाउन था। तो आप अगर आज भी खरीदते हो तो आपको 15-20% का तो आप नॉर्मली प्रॉफिट में हो। तो फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ रिकमेंडेशन है हमारा आइडिया, जो मैं कई बार लेता रहता हूँ। इसके भी पुराने शेयर्स मेरे पास पड़े हुए हैं जिनमें इनको अब ऐड कर दूंगा। कल आपको याद है कि मैंने ये सब जो शेयर लिए थे पूरे न्यूज शेयर्स लिए थे, ये मेरे पोर्टफोलियो में नहीं थे। बट आज मैं जो ले रहा हूँ ये सब मेरे पास पुराने पहले से पड़े हुए हैं, उनके साथ इनको एवरेज आउट भी कर लूंगा मैं अभी। तो पांचवा हमारा रिकमेंडेशन है कोफोर्ज एंड आज हमने इसके भी 4 शेयर बाई किए हैं। ये भी निगेटिव था, और आज के टाइम पे अगर आप इसको बाई करते तो आप ऑलरेडी पॉजिटिव में रहोगे, मतलब इन कंपेरिजन टू माई पोर्टफोलियो। सो डेफिनेटली मैं मेरे पोर्टफोलियो में ये एवरेज का सेशन चालू है। आज का जो जितने भी स्टॉक हैं सब एवरेज में लिए हैं मैंने। और अगर आप अब मैं चाहता हूँ 5 शेयर्स की प्रोजेक्ट 1 में शीट में, जिसमें मैं कल का शेयर का आज के टाइम से हिसाब से दूंगा। हाँ ठीक है, प्राइस 2 मिनट में ऊपर नीचे काफ़ी हो गई होगी, लेकिन मैंने एक्सेल शीट में डाल दिया है तो मैं उसको आपको शो करता हूँ। सो आप देख सकते हो कि ग्लैक्सो स्मिथ अगर आप चेक करोगे तो ये इसने अपना टारगेट अभी तक अचीव नहीं किया है किसी ने भी। मैं इनको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे 3 शेयर जो कल लिए थे मैंने पॉजिटिव दिख रहे हैं, बाकी निगेटिव हैं। और वहीं आप अगर देखते हो रिलायंस और ये सबको, चलो मैं इनको हटा देता हूँ, इनकी आपको जरूरत नहीं है, राइट। इनको अगर मैं एवरेज हाइड कर देता हूँ ना तो आपके पास तो सामने ही आ जाएगा। तो आप सॉरी, 10% का गोल है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस का हटा दो, टोटल करंट वैल्यू और एवरेज प्राइस। अगर मैं 4 शीट भी हटा देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, जस्ट हटाना क्या है, टुडेज डेज। चलो तो अभी शायद आपको दिख रहा होगा ये बाई डेट है भाई, तो अभी शायद आपको काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा। तो अगर आप देखोगे तो मेरा ग्लास्को स्क्रिप्ट में -0.40 पे गया है, और गुजरात ही 3% प्लस में है, ज्योति लैब भी प्लस में है, महिंद्रा भी प्लस में है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड फंडामेंटल भी कल नेगेटिव चला गया, लेकिन बट ये बहुत अच्छा स्टॉक है। ये एवरेज आउट जैसे आज किया ना मैंने, अभी आप देखो ONGC आज खरीदा मैंने 5, बट मेरे पास कोई पुराने थे तो उसके कारण मेरा ये नेगेटिव है, जिसके कारण -77.73 नेगेटिव है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 5.43 नेगेटिव है। बर्जर पेंट 22% है, जो मैंने आपको बोला कि ये सही टाइम है। आइडिया भी 10% है नेगेटिव, और ये कभी भी कवर कर लेता है तो बेटर है आप ले के रख लो इनको। कोफोर्ज भी आप देख सकते हो कि -4.4 और 713 है निगेटिव में।
सो ये मेरा आज का पोर्टफोलियो, ये एवरेज आउट दिखा रहा हूँ। टारगेट कोई भी अचीव नहीं हुआ है कल से जब मैंने सीरीज शुरू की है, तो हम देखेंगे कि ये टारगेट कब अचीव होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टारगेट जितनी जल्दी अचीव हो उतना अच्छा हमारा रहता है। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे पोर्टफोलियो का जो मैंने खरीदा है, तो हाइड हो गया। अगर आप देखेंगे ओवरऑल एवरेज जो है मेरा माइनस नेगेटिव माइनस 4.74 है एवरेज आउट। तो अगर इसको ये हमें 10% पे लाना है पॉजिटिव, ये अगर हमारा 10% पे पहुंच गया तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। और ये हमें देखना है कि कब ये कितनी जल्दी ही पहुंचता है ये टारगेट पे। और ये देख सकते हैं आप, ये आज मैंने खरीदे थे जो इनकी ये करंट पोजीशन है, ये इनकी करंट पोजीशन है। एक्सेल शीट में तो मैंने एंट्री पहले की थी, लेकिन ये इनकी करंट पोजीशन है। रिलायंस भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव है, ONGC पॉजिटिव है, कोफॉर्ज भी पॉजिटिव है, बर्जर पेन एंड आइडिया निगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से हम एवरेज आउट करेंगे। और ग्लास्को और ये सब का आप देखेंगे तो ये पुराने पूरे स्टॉक है जो कल 3-3 दिन के लिए थे, और ये 8-3-2-74 एंड 2 मेरे पास पहले से पड़े हुए थे। तो अभी जैसा मैंने बोला कि आपके ऊपर है, और आज हम जाके एक किसी भी स्टॉक का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आज जो सबसे ज़्यादा निगेटिव है, चलो उसको देखते हैं। सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन सा है? बर्जर पेंट है, राइट। तो इसका हम जाके एनालिसिस करते हैं। और टेक्निकल चार्ट बर्जर पेंट फंडामेंटल्स में जाके चेक करते हैं। 1 मंथ का रिटर्न है 4.3, 1 ईयर का रिटर्न है -25। तो आपको नहीं लगता कि ये -25 है तो आपके पास ये सही टाइम है इसमें एंट्री करने का जब ऑलरेडी होंगे? और इसका आप CAGR देखिए तो 14% का ऑन एवरेज दिया है, यानी पिछले एक साल में इसने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया है। बट अब देखते हैं कि डैशबोर्ड क्या बोलता है, लोग क्या बोलते हैं, फोरकास्ट क्या बोलता है। आज के टाइम पे 3% डाउन हुआ है, राइट। ROI FD डिविडेंड नहीं देता है, एंट्री पॉइंट नो लीड, राइट। अब इसको आज का है कि आपको ये दिख रहा है, लेकिन अभी मैं 1 वीक का देखूंगा, तो 1 वीक का देखेंगे तो 3.07 रिटर्न है। 1 मंथ का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपको, 3.20 का मिला है रिटर्न। 1 ईयर का निगेटिव रिटर्न है, राइट। अब हम इसका 5 साल का देख लेते हैं ना, फिर 5 साल का क्या, 153, दैट इज गुड रिटर्न। सो अगर आप देखेंगे तो ये पैटर्न ऐसे गया है, हुआ है और वापस ये अब ऊपर जाने के उस कगार पे लग रहा है, ठीक है। आप फोरकास्ट में जाएंगे, फोरकास्ट में देखते हैं कि 12% लोगों ने सजेस्ट किया है, जिसमें से 25 एनालिसिस हैं, यानी अभी भी उनको डाउट है, ठीक है। और मैंने आपको बोला, आपके ऊपर है ये। अभी देखिए यहाँ पे कंट्रोवर्शियल थोड़ी सी चीज़ है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि बाय करो। और वैसे भी मैंने एवरेज आउट के रूप में किया है, आज आपने देखा होगा कि एवरेज आउट किया, मुझे उसको लेना है, यानी मैंने और उसको ऐड किया है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। बट आप और भी एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसकी होल्डिंग्स देख लेते हैं, जो मैं हमेशा देखना पसंद करता हूँ। चलो पीर्स देख लेते हैं, पीर्स पहले के देखते हैं। पीर्स में आप देखोगे तो बर्जर पेंट, एशियन पेंट, कैंसाई, इंडिगो पेंट्स है। इसमें डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा कौन देता है? एशियन पेंट, वो फेवरेट है, एशियन पेंट हमेशा अच्छा रहा है। पी रेशियो ये सब भी इनका अच्छा है काफी, राइट। ये चार के चारों स्टॉक अगर आपके पास हैं तो आप हमेशा अच्छे ही रहोगे, ये चार जरूर ले लो। ये पेंट इंडस्ट्री के लिए आप बोल सकते हो कि केमिकल इंडस्ट्री में ये चार अच्छे खासे स्टॉक हैं जो हमेशा प्रॉफिट देख के ही जाते हैं, जाते ही नहीं एक्चुअली, प्रॉफिट देते ही रहते हैं, ऐसा मैं बोलूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी हम इनको आगे देखते हैं कि इनका एनालिसिस करते हैं, कि इनका कंपेरिजन हम करते हैं शुरू में प्रमोटर की होल्डिंग से। प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है थोड़ी सी 0.01%, पिछले साल के कंपेरिजन में कुछ नहीं, बट पिछले दिसंबर 20 के हिसाब से 2 साल में बढ़ी है थोड़ी सी। अब हम इसको म्यूचुअल फंड के इस नजरिए से देखते हैं तो म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्ट करना कम किया है, एंड दैट इज द वन रीजन जिसके कारण ये थोड़ा स्टॉक डाउन भी हुआ है। और इसके अपने भी कुछ रीजन हैं जो आपको ढूंढ के लाने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि ये स्टॉक क्यों डाउन गया है पिछले एक साल में। आप वो चीजें कमेंट्स बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और अगर वो सही रही तो हम आपको जरूर थैंक यू बोलेंगे और उसको हम नेक्स्ट टाइम जरूर ऐड कर लेंगे। तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ये पिछले एक साल से नीचे क्यों है। अब उसके जगह पर हम देखते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन पिछले से एक साल में बढ़े हैं, अभी 0.10 भी बढ़ाना कम नहीं होता है, क्योंकि ये लोग का काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है।
फॉरेन इन्वेस्टर करीबन सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग सेम ही हैं अभी भी, ज्यादा ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। न्यूज इवेंट्स में अगर आपको कुछ देखना है तो आप देख सकते हो, बट आप, मैंने वही बोला कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए कि क्या है। ये पीस यही है, आपको दिखाई दिया मैंने, फाइनेंशियल ट्रेंड्स आपको दिखा दिया, बर्जर पेंट डिक्लाइंस 2.6 क्लाइम्स, बर्जर पेंट शेयर्स राइजेस 1.0, ये तो थर्सडे का है, बर्जर पेंट शेयर्स 0 अप, अगर आप देखोगे तो अप गए हैं। रिप्लाई ऑन क्वालिफिकेशन अनाउंस्ड है, प्रेस रिलीज है, बर्जर पेंट हैज इन्फॉर्म्ड एक्सचेंज अबाउट प्रेस रिलीज, कैश डिविडेंड इन्होंने दिया है 2.18 रुपीज का 18 अगस्त को। सो दैट इज ऑल पॉजिटिव थिंग्स, लाइक आई हैव एडेड, मैंने ऐड कर लिया है। अब ये आपके ऊपर पूरा छोड़ता हूँ कि आपको लेना है नहीं लेना है, वो आपकी चॉइस है। तो यहीं पे हम शेयर को बंद करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको किसी और के बर्जर पेंट के साथ में किसी और के एनालिसिस पे जाना है तो आप उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए मैं नॉर्मली ये सब चीज़ें आपको भी मिल जाती हैं टिकट टैप के हिसाब से, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, बट ये मेरा एनालिसिस रहता है और कि मैं क्या ले रहा हूँ। जैसा मैंने फोरकास्ट में बोला, फोरकास्ट में 12% इज़ वेरी लो एक्चुअली, बट मैंने फिर भी लिया है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते होंगे, मैं क्योंकि मैंने तो ले लिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, वैल्यूबल टाइम, आप सबका दिन शुभ रहे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और होप कि आप 10% का मिनिमम 10% का टारगेट मैक्सिमम 300 में अचीव कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ रहे, थैंक यू।